इंस्टाग्राम यूज करता हूँ, फेसबुक भी यूज करता हूँ, एक लड़की है जिससे मैं बातें करता हूँ, वो अभी उसने सारी बातें बताई। सर कैसे कंप्लीट होगा बैकलॉग, कब मेरे नंबर आएंगे, कितनी मेरी जेई में रैंक आ जाएगी, क्या मैं 4 महीने बचे हैं एडवांस में। मैंने क्या किया, पहली चीज तो वो जिससे बात करता था उन दीदी को फोन मिलाया। बिकॉज बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे जरूर जो कि पढ़ना चाहते हैं बट किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए। मैं वहां था कालू सराय, तो वहां पे एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई, थोड़ा परेशान था मेरे ख्याल से, ऐसी आपके साथ भी बहुत हो रही होगी चीजें, ठीक है, इस सवाल के जवाब पे आने से पहले। तो उसने मुझे बोला कि सर मैं चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। उसने मुझे ये बोला कि सर मैं चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, और उसने अपनी क्लियर पिक्चर मुझे बताई सारी चीजें, इंस्टाग्राम यूज करता हूँ, फेसबुक भी यूज करता हूँ, एक लड़की है जिससे मैं बातें करता हूँ, वो अभी उसने सारी बातें बताई, और बोले पेरेंट्स को भी बेवकूफ बना सकता हूँ, बनाता भी हूँ, अच्छे से कोचिंग चला जाता हूँ, और फिर यहाँ आके बस नोट्स लिख लेता हूँ, टीचर्स को देख लेता हूँ, डाउट नहीं पूछता हूँ, सारी बातें उसने एकदम डिटेल में बताई, क्योंकि एक बच्चा जनरली नहीं बताता टीचर्स को, ठीक है, वो किसी ना किसी एक बात को बोलते ना फॉर्मुलेटिव या फिर डेकोरेटिव बना के पेश करता है कि मैं तो कर रहा हूँ बट मेरे तो नंबर नहीं आ रहे। उसने सारी चीजें एकदम बताई, सारी सारी, इतनी एक्सपेक्टेड भी नहीं थी कि इतनी बताओ, बट सारी बताई। तो मैंने कहा चाहता क्या है, बोले सर मैं पढ़ना चाहता हूँ बट पढ़ नहीं पा रहा हूँ, स्टडी टेबल पे बैठता हूँ बट मोबाइल यूज करने लगता हूँ, दिमाग कहीं और रहता है, ठीक है। बोले अच्छा, फिर मैंने कहा मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, बोले सर इस समस्या से बाहर निकाल लीजिए प्लीज कुछ भी करके। जो बेसिक इंटेंशन है मेरी वो ये है कि मुझे आईटीएन बनना है या फिर मुझे पढ़ाई करनी है, ये वाले जो जिस चक्र में मैं फंस चुका हूँ मैं इसमें नहीं रहना चाहता हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कम से कम बेसिक इंटेंशन तो प्योर है। तो मैंने क्या किया, पहली चीज तो वो जिससे बात करता था उन दीदी को फोन मिलाया। मैंने कहा बेटा देखो ऐसे है कि हाँ, वो उसकी स्ट्रीम की नहीं है, शायद कॉमर्स की थी। मैंने कहा बेटा देखो आपको क्या करना है, अभी थोड़े दिन के लिए ये सब चीज़ों को होल्ड कर लीजिए प्लीज, ठीक है। हाँ, आप इनको डिस्टर्ब मत करो, ये तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, करता है तो। मैंने वहाँ पर किसी का नंबर दे दिया, मैंने इसको फोन कीजिए, अगर आपको ये फोन करता है तो मैं आपके पेरेंट्स को फिर इन्वॉल्व कर लूँगा। तो एक डर वो, दूसरा इंस्टाग्राम फेसबुक जो थे, बोले सर मैं तो डिलीट कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, मैं तो डिलीट कर नहीं पा रहा हूँ, आप डिलीट कर दो। तो फेसबुक तो शायद डिलीट हो जाता है, इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट होता है, तो मैंने वो डीएक्टिवेट कर दिया, पासवर्ड बदल दिया, उसको बोला कि भैया अपने मोबाइल नंबर पे या मेल वेल पे ओटीपी वगैरह आए तो वो चेंज मत करना, ठीक है ना। अब ये सारे काम मैंने अपनी तरफ से करके दे दिए। उसके बाद में मेन बात पे आते हैं, ठीक है, जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मैंने उसे पूछा तेरा थॉट प्रोसेस क्या है, उसने बोला कि सर आप पहले मुझे सही कर दो, मतलब कि ये सब सिचुएशंस आप पहले क्या कर दो, सही कर दो, मतलब करेक्ट कर दीजिए सिचुएशन को नॉर्मलाइज कर दीजिए, फिर मैं अपने आप पढ़ने लगूंगा, यही है, पढ़ने लग जाऊंगा, यही है, ऐसे लिखते हैं। उसने बोला कि आप मुझे सही कर दो, मतलब ये सब जिंदगी से मेरे थॉट प्रोसेस हटा दो और उसके बाद में मैं पढ़ने लग जाऊंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये एरो इस तरफ जा रहा था। अब आपको जानकर मैथमेटिकल लैंग्वेज में बहुत ही अच्छा लगेगा, दिस इज DNE, ये सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी का मतलब समझते हो ना, डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। किसी भी लाइफ की सिचुएशन में कभी भी कुछ भी आपके साथ हो जाए, कभी भी आप एक थॉट जिसको बोलते हैं अपने विचारों के समुद्र में डूबे हुए हो, आप ना कामयाब होते जा रहे हो या फिर आप बैकलॉग के नीचे दबे पड़े, बहुत सारी चीजें, तो हम लोग सभी लोग, दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी, हम वेट करते हैं सही मूवमेंट का, पल का, पहले सिचुएशन सारी सही हो जाए, एक सुनहरी सुबह हो, ठीक है, खिड़की के बाहर चिड़िया चहचहा रही हो, हम टाइम पे उठे, अच्छे से हम नाश्ता करें, बॉडी हमारी 100% एफिशिएंट हो, फिर हम पढ़ने लगे, ऐसी सुबह की हम सभी लोग इंतजार करते हैं। जबकि इस तरफ वाला ये जो एरो है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। यही बात जिसको समझ में आ गई वो जीत गया। जब कौन से वाला एरो एग्जिस्ट करता है सर, इस साइड वाला। बहुत बार बोला गया है कि आप पढ़ने लग जाओ चीजें अपने आप सही हो जाएंगी, आप पढ़ने, दिस एग्जिस्ट, दिस इज डिफिकल्ट बट एग्जिस्ट, बट यही एग्जिस्ट करता है। मैं बहुत सारे सवाल उसने मेरे सामने रख दिए, सर कैसे कंप्लीट होगा बैकलॉग, कब मेरे नंबर आएंगे, कितनी मेरी जेई में रैंक आ जाएगी, क्या मैं 4 महीने बचे हैं एडवांस में या 4.5 महीने बचे हैं, क्या मैं कर पाऊंगा, ये सारे सवाल उसके सामने, मतलब वो पहले ही इन सब सारे सवालों का जवाब आंसर जानना चाहता है, फिर वो पढ़ने लगेगा। मैंने कहा ऐसा कुछ है नहीं, दिस डायरेक्शन इज नॉट एग्जिस्ट, आप इसको ढूंढ रहे हो, एग्जिस्ट ही नहीं करती तो मिलेगी कहां से, इस वाले में मूव कीजिए। अब समझ में आ गया, पहला टास्क ये है, कॉम्प्लीमेंट्री टास्क आपको ये मिलेगा, आप पहला ये बना के बैठे हो, कॉम्प्लीमेंट्री वो मिले ऐसा होता ही नहीं। जो भी इंसान उस तरफ, भी मेरे को लगा कि ये बात क्लास में एड्रेस करनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे जरूर जो कि पढ़ना चाहते हैं बट किसी कारणवश पढ़ नहीं पा रहे। स्टार्ट विद योर फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट टॉपिक, नोट्स मेकिंग एंड वीडियो वॉचिंग, स्टार्ट कीजिए इस काम से, और इस काम को करीबन आप 2 हफ्ते तक लगातार कीजिए बिना किसी दूसरे थॉट के, और ये काम आप खुद ही कर सकते हैं। उसके बाद में आप देखोगे कि आप सही होने लगे हो, धीरे धीरे 1 महीने बाद में आप देखोगे कि आपको सवाल सॉल्व होने लगे हैं, फिर आप देखोगे कि आपसे DPP मॉड्यूल के क्वेश्चन भी सॉल्व होने लगे हैं, फिर आप देखोगे कि आपके नंबर भी आने लगे हैं, धीरे धीरे, बहुत दूर है ये नंबर तो, बट हाँ स्टार्टिंग फेज इज दिस। और बहुत सारे लोग जो पढ़ रहे हैं उनको और अच्छा करना है तो आप अपने स्टडी आवर्स को बढ़ा दीजिए प्लीज, जितना भी आपका इन्वॉल्वमेंट है पढ़ाई में, लेट्स से कोई बोल रहा है मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, 9 कर दे बेटा किए जा सकते हैं, हाँ ना, 9 कर रहा है 10 कर दे, 12 कर दे, बिल्कुल